सनी देओल के बेटे करण देओल की जिंदगी में है आखिर किस बात की कमी? इलेक्शन में किस तरह लोगों ने किया सनी देओल का विरोध, लोगों की नाराजगी का क्या हुआ असर सनी देओल की राजनीति में? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीक्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सनी देओल एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत अभिनेत्री अमृता सिंह के साथ साल 1983 में बेताब के साथ की थी। आगे चलकर अभिनेता ने साल 1990 में घायल जैसी कई अन्य फिल्मों में अभिनय किया, जिससे उन्हें अच्छी सराहना भी मिली। फिल्म दामिनी में सपोर्टिंग अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। 2003 में उनकी फिल्म द हीरो सुपर हिट रही और ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। सनी ने अपने करियर में विभिन्न भूमिकाओं पर काम किया है और अपने वर्सटाइल प्रदर्शन से सभी का दिल भी जीता है। सनी ने 2019 में पल पल दिल के पास सहित कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिसमें उनके बेटे करण देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अभी वो अपने राजनीति करियर में काफी व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही फिर से बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने को तैयार है और साथ ही अपने बेटे की करियर पर भी काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं इस बारे में। करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में शुरुआत की और अपने पिता सनी देओल द्वारा लॉन्च किए गए थे। हालांकि फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन करण को दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी सहारा गया था। दर्शक विशेष रूप से उनके सभी एक्शन दृश्यों को पसंद करते थे। लोगों ने कहा कि वो साबित कर रहे हैं कि वे सनी देओल के ही बेटे हैं और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में ही 2.5 किलो का हाथ दिखा दिया था। अभिनेता को उसकी मासूमियत, क्यूटनेस और यहाँ तक कि उसकी लड़ाई के दृश्यों के लिए काफी सराहना मिली थी। अपनी पहली फिल्म के बाद से अभिनेता किसी अन्य फिल्म में नहीं देखे गए हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट में आ रहा है कि वह सफल फिल्म दामिनी के रीमेक में दिखाई दे सकते हैं। यंग अभिनेता छुट्टियों पर जाना बेहद पसंद करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव भी हैं। वे सोशल मीडिया पर अपने लोकेशन के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। करण बताते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ मिस कर रहे हैं और अभिनेता ने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा भी किया है। पहाड़ों के बीच उन्होंने खुद की एक तस्वीर साझा की और ये कहते हुए कैप्शन दिया कि वह इस जगह को याद कर रहे हैं। पल पल दिल के पास के अभिनेता ने खुलासा किया कि वह पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं और जब वह इस तरह की जगह पर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। खैर, पहाड़ों पर जाना कौन नहीं चाहता, ऐसी जगह शांतिपूर्ण और सुंदर भी होती है और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह करण की भी पसंदीदा स्थान है। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं के पास चल रहे किसान आंदोलन के बीच हुए पंजाब म्युनिसिपल चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है, वहीं कृषि कानूनों की वजह से एनडीए से बाहर होकर अकेले लड़ रही अकाली दल भी कांग्रेस से काफी पिछड़ गई। आम आदमी पार्टी का भी इस चुनाव के नतीजे में बुरा हाल ही रहा। एक्टर से नेता बने बीजेपी के सांसद सनी देओल के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी को मायूसी हाथ लगी है। पार्टी गुरदासपुर क्षेत्र में खाता नहीं खोल सकी। आपको बता दें कि पार्टी सभी 29 सीटों पर हार गई है। यहाँ एक तरफा कांग्रेस को ही जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि देओल पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से ही सांसद हैं। पंजाब के 7 नगर निगमों में से 6 में प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वही 7वें नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पार्टी ने शहरी म्युनिसिपल के चुनाव में बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से पराजित किया है। कांग्रेस ने भटिंडा, होशियारपुर, कपूरथला, अबोहर, बटाला एवं पठानकोट में जबरदस्त जीत दर्ज की है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में इस चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इस चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद कांग्रेस की नजर विधानसभा चुनाव पर लगी हुई है। रिजल्ट से ये बात तो साफ है कि पंजाब के लोग अब सनी देओल को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बात का उनकी फिल्मों पर क्या असर पड़ता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीक्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं आद्या ठाकुर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।